साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन है यही दर्शन अंतरात्मा भी सहज हो सत्य का स्पर्शन सत्य का स्पर्शन क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि और चित्त समाधि निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि व्याधि आदि उपाधि प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बदल जाती है रसायन ग्रंथियों के स्राव ग्रंथियों के स्राव बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं बदलता संसार आना पान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा समस्या आवेग की है विकटतम जग में विकटतम जग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान का योत्सव ध्यान का योत्सव
श्वास प्रेक्षा सी धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर, हृदय हो हृदय हो अविकार केवल हृदय हो, हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदि वंदना वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है रंगों के साथ भावों का संबंध। रंगों से हमारे भाव कैसे प्रभावित होते हैं, हमारे भाव प्रभावित होंगे तो हमारा स्वभाव भी परिवर्तन होगा, और स्वभाव हमारा परिवर्तन होगा तो हमारे व्यवहार में भी वो दिखेगा। तो हम आज चर्चा करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ कोलकाता से हमारी जानी मानी शिक्षिका मंजू जी शिपानी जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करूंगा, आप आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का हमारा विषय है भाव और रंग। हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में हम देखते हैं कि विशेष त्योहार आए, विशेष दिन आए या विशेष कोई स्थिति हो तो हमारे लिए अलग अलग रंगों का विधान है। हमारे देवी देवताओं को भी अगर हम देखें तो उन्हें भी हम अलग अलग रंग से डिनोट करते हैं। भाई इन देवी, इन देवताओं का ये रंग प्रिय है, इनका ये है, इनका वो है। तो ये रंगों का इतना क्या महत्व है, क्यों ये विशेष रूप से रंग दिए गए? ऐसे भी देखिए, हर अगर मैं प्रेजेंट में भी कहूं तो जैसे मान लीजिए वैलेंटाइन डे आता है, अब आ ही रहा है वैलेंटाइन डे, तो वहां भी देखिए सफेद रंग है, पीला रंग है, गुलाबी रंग है, अलग अलग महत्व बताए गए। पीला रंग है तो फ्रेंडशिप है, व्हाइट कलर है तो पीस शांति है, गुलाबी रंग है तो प्रेम है। क्यों? ये कुछ न कुछ तो खास बात रही होगी ना कि ये अलग अलग रंग वहां बताए गए, ऐसा क्यों? हम भी रंगों का ध्यान करते हैं, अगर अध्यात्म की बात कहूं तो अलग अलग रंगों के साथ हम अलग अलग भावनाओं को जोड़ते हैं, है ना। हमने मंत्र ध्यान किया था तो हमने नमो और अंतरणम के साथ सफेद रंग ही किया था, क्यों नहीं हमने वहां काला रंग किया, नीला रंग किया। तो रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और रंग हमारे भावों को प्रभावित करते हैं, ये बात हम डेली के जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं।
जब हम कपड़े खरीदते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले उसका रंग ही देखते हैं, कैसा रंग है ये, है ना। हाँ ये रंग तुम पे बहुत सूट कर रहा है। जब हम पहन के आते हैं सबसे पहले क्या कहेंगे कोई देख के भी, हाँ ये रंग बहुत सूट किया है आपके, आज इस रंग में आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो क्या है ये रंग, रंग क्यों हमारे भावों को इतना प्रभावित करते हैं? तो मैं इसका देखिए साइंटिफिक रीजन भी है और आध्यात्मिक रीजन भी है। बाकी बातें तो आपको बहुत मिलेंगी, रंग है ये रंग इसके लिए प्रतीक है, ये रंग उसका, ये सब हम जानते हैं कि सफेद शांति देता है, लाल रंग हमें उत्साह देता है, गुलाबी रंग हमें प्रेम सिखाता है, पीला रंग हमारा ज्ञान बढ़ाता है। ऐसा क्यों प्रश्न होता है, ऐसा क्यों रंगों के साथ? तो रंग जो है वो क्या है, सूर्य के प्रकाश का ही एक रूप है। सूर्य के प्रकाश की जो गति होती है उसके अकॉर्डिंग ही सूर्य में क्या है, हम क्या कहते हैं प्रकाश में सात रंग, सात रंग बताते हैं ना जो हमारे रंग इंद्रधनुष में, इसी तरह हम प्रकाश में भी क्या करते हैं सात रंग बताते हैं जो इंद्रधनुष में। वो रंग सूर्य का जो प्रकंपन है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। सूर्य की जो किरणें हैं उनका 49 प्रकंपन रंग बन जाता है। तो इसी उनकी जो गति है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसी के अनुसार रंग होते हैं। अब प्रश्न होता है कि रंग हमें दिखाई कैसे देते हैं? हमें कोई वस्तु काली दिख रही है, कोई नीली, कोई पीली, आप कहोगे सबके ऊपर तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, कुछ देखने के लिए प्रकाश चाहिए। आज कोई भी रंग अगर अंधेरा है तो हम कोई रंग नहीं दिखते हैं। रंग कब दिखाई देता है, जब उस पर प्रकाश पड़े, भले सूर्य का पड़े या लाइट का पड़े, बिना प्रकाश के रंग नहीं दिखते हैं। तो हमें कोई भी वस्तु कैसी दिखाई देती है, कोई वस्तु सपोज करिए आपको कोई वस्तु लाल दिखाई दे रही है, तो विज्ञान क्या कहता है वो आपको लाल क्यों दिखाई दे रही है? सूर्य के प्रकाश में जितने भी रंग थे उसने सारे रंग सोख लिए अपने भीतर, उस वस्तु ने, उस वस्तु का स्वभाव था कि उसने सारे रंग सोख लिए, केवल लाल रंग को उसने वापस छोड़ा। क्या किया उसने, लाल रंग को वापस छोड़ा और वो लाल रंग हमारी आंखों तक आया, तब हमने उस वस्तु को क्या देखा, लाल रंग का। यानी जो वस्तु लाल दिखाई दे रही है उसमें लाल रंग के अलावा सारे रंग है, उसने लाल रंग छोड़ा इसलिए हमें वो लाल रंग दिखाई दे रही है। कोई मल्टी कलर है, अनेक रंगों की दिखाई दे रही, क्यों, क्योंकि उसने सारे रंग छोड़े हैं, रो सारे रंग हमारी आंखों तक पहुंचे और हमारी आंखों ने उस वस्तु को क्या देखा, उस रंग का देखा। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है, कोई भी पदार्थ है उसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये चारों चीजें होती हैं। किसी भी चीज में आपको सुगंध आए या नहीं आए लेकिन उसमें सुगंध होती है। कोई चीज आपको रंगहीन दिखाई दे रही है उसमें रंग, सभी रंग है। जैन दर्शन पांच रंग मुख्य मानता है, लाल, पीला, नीला, काला और सफेद। लाल, पीला, नीला, काला और सफेद, ये पांच रंग ओरिजिनल कलर है और विज्ञान भी ऐसा ही मानता है। विज्ञान में थोड़ा फर्क है, विज्ञान सफेद रंग को सात रंगों का मिक्सचर मानता है, लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में पांच रंगों को मुख्य रंग माना गया है, लाल, पीला, नीला, काला और सफेद। इन पांच रंगों को मिलाकर ही सारे रंग बन सकते हैं। जैसे कि नीला और पीला मिलाओगे तो हरा बनेगा, लाल और नीला बिना मिलाओगे तो बैंगनी बनेगा, पीला और लाल मिलाओगे तो ऑरेंज बनेगा। इस तरह से इन पांच बेसिक रंगों को मिलाने से सारे रंग बन सकते हैं। तो कोई भी वस्तु है उसमें सारे रंग हैं। आप भले ही आप किसी रंग का देख रहे हो लेकिन उसमें पांचों के पांचों रंग होते हैं, ऐसा जैन दर्शन की मान्यता है कि वो रंग अधिक है इसलिए आपको वो वस्तु उस रंग की दिखाई दी, लेकिन उस वस्तु में सारे रंग हैं। हम जितनी भी स्थूल चीजें, हर वो चीज हम अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उन वो सारी पुद्गल है। पुद्गल की क्या परिभाषा है, हम पदार्थ किसे कहते हैं, हर वो चीज पदार्थ है जो हम अपनी पांच इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। भले ही हमें नहीं दिख रहा है तो भी वो पदार्थ है, भले ही आप देख पा रहे हो तो है ही खैर पदार्थ, है ना। इसीलिए सारी ऊर्जाएं, जितनी ऊर्जाएं हैं सब पदार्थ, साउंड है, लाइट है, सारी पदार्थ है, बहुत गलत। तो अब प्रश्न उठता है कि ध्यान में कैसे रंग हमारे भावों को प्रभावित करते हैं। तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ रंग गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, जैसे लाल, पीला,
ना, नारंगी, ये सारे रंग क्या है, गर्म तस्वीर के, ये हमारी उत्साह बढ़ाते हैं, एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। वहीं हरा, नीला, सफेद, ये सारे रंग क्या है, शांत, ये शांत है, ये हमें क्या करते हैं, शांति प्रदान करने वाले। तो इसी तरह से रंगों का के अनुसार भाव भी क्या होते हैं, बदलते हैं। ये हम क्या कहते हैं, हर पदार्थ हमारे हमें प्रभावित करता है। हम खा रहे हैं वो भी पदार्थ है, वो हमें प्रभावित कर रहा है। हम सूंघ रहे हैं वो भी एक पदार्थ है, वो भी हमें प्रभावित करता है। बुरी गंध आती है, हम नाक बहुत सिकोड़ लेते हैं, घबराहट होने लग जाती है, विचार भी अच्छे नहीं रहते हैं। वहीं अच्छी खुशबू आती है तो हम खुश हो जाते हैं, है ना, हमारा मिजाज भी बहुत रंगीन होने लग जाता है। तो इस तरह से क्या है ना कि रंगों की जो तासीर है, गर्म, ठंडा, सुगंध, ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे भावों को प्रभावित करती है। और ये हम जनरल अपनी लाइफ में इसको हम महसूस भी करते हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टि से हम क्यों रंग हमें प्रभावित करते हैं, सिंपल, जब हमारे कर्म उदय में आते हैं। जैन दर्शन क्या कहता है, हम जीवन का एक एक क्षण अपने कर्मों के उदय से जी रहे हैं। कर्म उदय में आ रहे हैं, वो हमें प्रभावित कर रहे हैं और हम जीवन जी रहे हैं। सुख है, दुख है, जो कुछ हमें इस जीवन में मिल रहा है, जो कुछ हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, सब हमारे कर्मों से प्रभावित है। तो कर्म जब उदय में आते हैं तो क्या बनती है, लेशा। वो लेशा के रूप में हमारे शरीर में उतरती है। और लेशा के दो प्रकार है, द्रव्य लेशा, भाव लेशा। द्रव्य लेशा यानी रंग, जो लेशाएं जैन दर्शन में बताई जाती हैं, कृष्ण, नील, कपोत, तेज, पद्म, शुक्ल, ये जो छह लेशाएं बताई हैं, इनके सब अपने रंग है, काला, नीला, ग्रे। तो ये जो रंग है ना, ये रंग भी क्या होता है, इन उन पर्टिकुलर रंगों के पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं। जैसे कर्म उदय में आते हैं वैसे हमारे भाव पैदा होते हैं। भाव सुख दुख के भी हो सकते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ के भी होते हैं, ठीक है, प्रेम के होते हैं, करुणा के होते हैं। तो जैसे कर्म होते हैं वैसे भाव होते हैं। अगर अच्छे कर्म उदय में आए तो हमारे भाव अच्छे होते हैं। तो जैसे हमारे भाव पैदा होते हैं उसी के अनुरूप हम पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। हमारी भाव लेशा हमारे द्रव्य लेशा को पैदा करती है, यानी हमारे भीतर रंग पैदा होते हैं, रंग हो जाते हैं। और जैसे हमारे भीतर के भाव होते हैं वैसे हमारी द्रव्य लेशा भी बनती है। और वही लेशा क्या बनाती है, हमारे आभा, हमारा आभा मंडल, आभा मंडल जो विज्ञान सम्मत भी है। विज्ञान भी ये मानता है आपका जैसा हो रहा होता है वैसे ही आपके भाव होते हैं, उसी के अनुरूप आपका व्यवहार भी होता है। आपको कौन सी बीमारी आने वाली है, 6 महीने बाद की बात भी हमारे आभा मंडल की फोटो के दीवार द्वारा हम पता कर सकते हैं। और आभा मंडल क्या है, हमारे भीतर से पैदा होने वाले भावों का फोटो। जैसे हमारे भीतर भाव पैदा होते हैं, भले हम व्यवहार से उनको प्रकट न करें लेकिन हमारी ओरा वैसे बन जाती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है मन में आ जाती है लेकिन हम उनको प्रकट नहीं करते, लेकिन आपका आभा मंडल आपकी बात कह देता है, बिल्कुल कह देता है। ये बात हम कैसे महसूस करेंगे, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कुछ कितने ही ऐसे अनजान लोग होते हैं जो देख के हमें अच्छे लगते हैं, कितने ही अनजान लोग ऐसे होते हैं जो हमें अजीब से लगते हैं, उनके पास या हम उन्हें देखते हैं तो हमारे मन में फील गुड नहीं होता है। क्यों, वो अनजान है, हमारा साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं उनके साथ, फिर भी हमें ऐसा महसूस होता है। तो ये सारा होता है आभा मंडल। आभा मंडल जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लोगों के भाव होते हैं। और हमारा आभा मंडल कौन बना रहा है, हमारे ही अपने भाव। और भाव कौन पैदा कर रहा है, हमारे अपने कर्म। जब कर्म अपना प्रभाव दिखाते हैं, उदय में आते हैं, तो वो हमारे लेशा बनती है और लेशा ही हमारे आभा मंडल को पैदा करती है। द्रव्य लेशा में रंग है। तो जैन दर्शन में आगमों में हमारे भगवान महावीर ने कहा कि हम अपनी लेशा को, जो भीतर हमारे भाव हैं, जो रंग पैदा हो रहे हैं, उन रंगों को बदला जा सकता है। अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स हैं तो आपका आभा मंडल भी नेगेटिव है। तो हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा, हम ध्यान के द्वारा अपने आभा मंडल को बदल सकते हैं।
और यही रंगों के ध्यान का महत्व है। कर्म तो वही उदय में आ रहे हैं जो हमारा पास्ट है, ये नहीं है कि अभी कर्म किया है अभी वो फल दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात होती मेरे ख्याल से, लोग बुराई कम करते, पर कर्मों का भी अपना सिद्धांत है। अभी कर्म किए अभी फल देंगे ऐसा कुछ नहीं है, दे सकते भी हैं और जनरली नहीं ही देते हैं। वर्तमान में जो कार्य करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसका फल हमें तुरंत मिलता है। बहुत सारे काम है अभी कर रहे हैं, अभी उनका रिजल्ट आ गया, ये ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि वैसा नहीं। तो जो पास्ट है वो तो हो चुका है, तो वो जो हमारे कर्म रूप में जब जमे हुए हैं चेतना से, तब हम नहीं बदल पा रहे उनको, लेकिन जब वो अपने प्रभाव में बाहर आ गए हैं दिखाने के लिए, तब उनसे जो भाव पैदा होते हैं उनको हम बदल सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई नेगेटिव भाव पैदा हुआ है, आपकी लेशा अभी कृष्ण है काली है, आपके भीतर बहुत नकारात्मक हिंसा मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स है, इट मीन्स मेरी लेशा क्या है, काली रंग की है। तब उसको कैसे बदले, तो हम प्रशस्त रंगों का ध्यान करेंगे, हम गहरे रंगों का ध्यान करें, हम प्रशस्त। जैसे मान लीजिए अगर भीतर कोई काला रंग है, अब काला रंग क्या है, वो ग्रे में बदल सकता है, नीले में बदल सकता है, हटात आप सोचोगे काला रंग है और सफेद में बदल जाए, ऐसा संभव नहीं होता है, उसके लिए बहुत गहरी संकल्प शक्ति चाहिए। लेकिन काले रंग को हम नीले रंग में जरूर बदल सकते हैं, है ना, पास पास है वो चीज। तो नीला रंग क्या है, हमारे विकारों को दूर करने वाला रंग। आज हम नीले रंग का ही ध्यान करेंगे, इसलिए मैं नीले रंग की बात कर रही हूँ। नीला रंग हमारे विकारों को दूर करता है, भले ही वो विकार शारीरिक हो, मानसिक हो या भावात्मक हो। नीला रंग शांति का प्रतीक है, हमारे विकारों को दूर करने वाला है। अगर हमारे शरीर में बीमारी भी होती है तो हम पूरे शरीर में नीले रंग का ध्यान करते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है, राहत मिलती है। इसी तरह मानसिक संताप भी है, भाव भी नकारात्मक है, तो हम नीले रंग का ध्यान करते हैं तो उससे हमारे विकार दूर हो जाए। हमारे विकारों का स्थान है हमारा कर्म, है ना, क्योंकि विकार क्या करते हैं, शब्दात्मक शब्द आएंगे ना, भावों को व्यक्त कैसे करते हैं, शब्दों के द्वारा। और शब्द का स्थान कहाँ है, कंठ। हम कंठों से शब्दों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो अगर हम नीले रंग का ध्यान विशुद्धि केंद्र पर करते हैं, उससे हमारे विकार शांत होते। दूसरा, यहां हमारी थायराइड ग्रंथि, थायराइड पैराथायराइड, ये ग्रंथि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो हमारा शरीर उसको कैसे आत्मसात करे, अपने लिए यूज करे, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आप कितना ही खाना खाइए, हजम होना अलग बात है, उस हजम होने के बाद जो हम ग्रहण करते हैं उस ग्रहण को शरीर में उपयोग में लाना अलग बात है। तो जो खाना ग्रहण किया, जो श्वास लिया, ये सारी चीजें लेके शरीर जब उनको अपने रूप अपने रस में परिवर्तित कर देता है, ये रस में परिवर्तित करने की शक्ति है इस थायराइड ग्रंथि की, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जैसा खाएं वैसा ही बने रसायन, और जैसा हो रसायन वैसा ही होंगे हमारे भाव, है ना, और जैसे भाव वैसा व्यवहार, वैसे विचार और जैसे विचार वैसा व्यवहार। तो रसायनों के परिवर्तन में अगर हम विशुद्धि ग्रंथ विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है, और जिससे हमारे रसायन बदलते हैं, शरीर के केमिकल। तो हम आज नीले रंग का ध्यान करेंगे विशुद्धि केंद्र पर, इन भावनाओं के साथ कि हमारे विकार दूर हो रहे हैं, चाहे वो विकार शारीरिक हो, मानसिक हो या भावात्मक, और हमारे भाव पवित्र होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और हमारे भीतर शांति और आनंद का प्रादुर्भाव हो रहा है। तो चलिए ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दो, एकदम ढीला छोड़ दो, कहीं कोई तनाव न रहे,
कोमलता से आंखों को बंद करते हुए अपने भीतर स्थित हो जाए। केवल अपने भीतर स्थित हो जाए। अगले 30 मिनट के लिए बाहरी जगत से कोई संपर्क नहीं, पूरे शरीर को स्थिर कर लें, श्वास की गति को मंद कर लें, एकदम सभी उंगली की सहायता ले सकते हैं। पहले 9 बार राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, लेफ्ट को बंद रखेंगे, फिर राइट को बंद करके 9 बार लेफ्ट से श्वास लेंगे, उसके बाद 9 बार दोनों नथनों से श्वास लेंगे। तो चलिए पूरी जागरूकता और एकाग्रता से आंखें बंद रहेंगी, अपना ध्यान अपने नाक पे रखें, नाक पे रखते हैं, लेफ्ट बंद राइट से शुरू करें। दोनों नथुनों से 9 बार पूरी जागरूकता के साथ हाथ अपनी मुद्रा में स्थापित कर लें, चित्त को नाभि पर केंद्रित रखेंगे, श्वास लेते हुए पेट फूलना चाहिए, सभी अनुभव करें दोनों नाक से श्वास आ रहे ना। श्वास लेते लेते अनुभव करें आपकी प्राण धारा सुषुम्ना में बह रही है। रीढ़ की हड्डी के भीतर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते हुए आप
अब हम 9 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरते हुए आप अनुभव करेंगे, पूरा ध्यान आपकी रीढ़ की हड्डी के प्राण ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ये अनुभव करेंगे कि रीढ़ की हड्डी के निचले छोर से लेकर धीरे धीरे आपके प्राण पूरे ऊपर तक जा रहे हैं, जहां तक आप अनुभव कर सके, विशुद्धि केंद्र तक या ऊपर ज्ञान केंद्र तक। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर से नीचे आएंगे, छोड़ते हुए यही अनुभव करेंगे महाप्राण ध्वनि के साथ कि आपकी प्राण धारा ऊपर की ओर जा रही है, पूरा चित्त आप रीढ़ की हड्डी के भीतर केंद्रित रखेंगे। सभी एक साथ श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए ऊपर। श्वास भरेंगे, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, अंतिम बार श्वास भरें, संपीखे आत्मा की द्वारा आत्मा को देखी स्वयं
स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। संकल्प, केवल मानसिक संकल्प करेंगे, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ संकल्प करें। ध्यान का एक ही ध्येय होना चाहिए, चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि से हमारे भाव शुद्ध होते हैं, भाव से विचार और विचारों से व्यवहार। कायोत्सर्ग, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, कहीं कोई तनाव न रहे। एक एक अवयव को देखते चले जाएं, शिथिल होने का सुझाव देते चले जाएं और अनुभव करते चले जाएं। रिलैक्स। कंधों को विशेष रूप से ढीला छोड़ दें। कंठ को विशेष रूप से शिथिल करें, बाहर भीतर। चित्त को कंठ पर केंद्रित करें। पूरी जागरूकता से शिथिल होने का सुझाव। शिथिल, शिथिल, शिथिल। भीतर जो हमारा वॉइस बॉक्स, कंठ के भीतर हमारा वॉइस बॉक्स शिथिल करें, शिथिल करें। पूरी जागरूकता से कंठ को शिथिल होने का सुझाव दें। अनुभव करें, शब्द मौन हो गए, कोई शब्द नहीं, केवल शांति। चेहरे पर एक एक इंद्रिय को, आंख, नाक, कान, जीभ, एक एक इंद्रिय को शिथिल कर। हो जा।
पूरे मस्तिष्क को शिथिल कर, अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे, एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें, शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी का निचला छोर, अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। शक्ति केंद्र से लेकर ज्ञान केंद्र चोटी का स्थान, रीढ़ की हड्डी के भीतर सीधे सीधे हम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चित्त की यात्रा करेंगे। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करेंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रीढ़ की हड्डी के एक एक मणके पर चित्त को केंद्रित करते हुए हम उसके भीतर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। यात्रा शुरू करें। धीरे धीरे एक एक मणका, 32 मणके हैं, एक एक मणके धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर यात्रा करें। ऊपर बढ़ते चले जाएं, अब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ें। धीरे धीरे
चित्त को श्वास के साथ जोड़ेंगे, यात्रा की गति बढ़ेगी। श्वास लेते समय चित्त को ऊपर से नीचे और श्वास छोड़ते समय चित्त को नीचे से ऊपर ले जाए। श्वास जैसे जैसे भीतर आ रहा है वैसे वैसे प्राण ऊपर से नीचे आ रहे हैं सुषुम्ना में, पूरी जागरूकता से। धीरे धीरे लेंगे श्वास, धीरे धीरे छोड़ेंगे। श्वास छोड़ते समय प्राण धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे यात्रा करो। पूरी सुषुम्ना में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करो। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। कंठ का मध्य भाग शुद्धि केंद्र। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। मोर के कंठ की भांति चमकता हुआ नीला रंग। अनुभव करें आपके चारों ओर नीले रंग के परमाणु फैले हुए। चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैले हुए। नीले रंग का श्वास लें और अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं।
नीले रंग के प्रमाण भीतर प्रवेश करते चले जा रहे, करते चले जा रहे। बाहर भीतर केवल चमकता हुआ नीला है। पूरा विशुद्धि केंद्र नीले रंग के परमाणुओं से भर गया है, भर गया है। अनुभव करें विशुद्धि केंद्र से चमकते हुए नीले रंग के परमाणु निकलकर बाहर फैल रहे हैं। आपका पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर गया। विशुद्धि केंद्र से चमकते हुए नीले रंग के परमाणु बाहर निकल रहे हैं और आपका पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव करें आपके भीतर की लेशा और बाहर का आभा मंडल दोनों पवित्र हो गए। आपके भीतर की लेशा और बाहर का आभा मंडल दोनों पवित्र हो गए। अनुभव करें वासनाएं शांत हो रही हैं, वासनाएं शांत हो रही हैं। वासनाएं शांत हो रही। Thank you.
वासनाएं बंधन है, वासनाएं ही हमारे जन्म मरण का कारण है। वासनाएं शाम विकार नष्ट, जैसे जैसे वासनाएं शांत हो रही हैं, स्वयं में एक आनंद और शक्ति का अनुभव करें। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जीण घट कछु चाह नहीं ते साहन के साह। वासनाएं शांत होती जा रही हैं, होती जा रही। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए। श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें।
शांति और आनंद का अनुभव शांति और आनंद दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें और वर्तमान में लौट आए। अपना सच में से जाओ मैं तिम हुए सुख पे स्वयं सत्य खोज सबके साथ मैत्री करें। आहं शुविचा चरणं पमोखं दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। सभी दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें। मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणम पवच्चामि सिद्धे शरणम पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवलीपणत्तं ब्रह्मं शरणं पवच्चामि। तीन बार सत्य को वंदना। वंदनासन में आए। वंदे सत्यम् वंदे सत्यम् वंदे सत्यम् ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। अभी समय 5 मिनट समय हम और लेंगे। अभी किसी की भी कोई जिज्ञासा हो तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जिनको भी कुछ पूछना हो अपने आप को अनम्यूट करेंगे, अपनी बात रखेंगे और अपनी बात होने के बाद वापस अपने आप को म्यूट कर लेंगे। हेलो। हाँ। और एक सवाल ऐसा, अगर ये रोज करना है तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे देना अपने आप को? देखिए, अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना मतलब आपको उस चीज को फील करते चले जाना है, शब्दों की जरूरत नहीं है। जहां मैंने बोला आपको कि वासनाएं शांत हो रही, आप फील करिए कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। वासनाओं का मतलब इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं जी। और जो कायोत्सल की बात है तो वह जस्ट फील करिए कि आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। आपको केवल अपने चित्त की यात्रा करनी है और अनुभव करना है, शब्दों की जरूरत नहीं होती है स्वयं के लिए। जय जितेंद्र। परमाणु यानी क्या? जो कंठ से नीले रंग का श्वास निकाले तो कंठ से यानी यहाँ से निकालना पड़ेगा या कान से? नहीं, जब मैंने कहा ना वापिस निकाल रहे, तब हम यहाँ से विशुद्धि केंद्र से, मैंने कहा ना विशुद्धि केंद्र से परमाणु निकल रहे हैं। आपने श्वास लिया, इसका लॉजिक मैं बताती हूँ। हम जो लेश्य ध्यान करते हैं उसमें क्या लॉजिक है? हम लेश्य ध्यान करते हैं अपने भावों को शुद्ध करने के लिए। हमारे भाव शुद्ध कैसे हों इसके लिए, बहुत सारे भाव हमारे भीतर छुपे रह जाते हैं और प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन जो भीतर है वो कहीं कभी ना कभी
परिस्थिति अगर वैसी मिल जाती है तो वो बाहर निकल जाते हैं। हमारे भीतर ईच एंड एवरी मोमेंट कर्मों का विपाक चल रहा है, उदय चल रहा है, तो भाव अच्छे बुरे कंटिन्यू बन रहे हैं, लेकिन बाहर कौन से निकलते हैं? जिनको निकलने की परिस्थिति मिल जाती है। कभी कभी आप देखते होंगे हम बिल्कुल शांत बैठे हैं, कोई हमारी ऐसी इच्छा नहीं थी कि हम गुस्सा करेंगे या क्रोध करेंगे, पर अचानक एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है और हम रिएक्ट कर जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वह उस परिस्थिति में सबको गुस्सा आया हो, हमें गुस्सा आता है, कोई दूसरा व्यक्ति शांत भी रहता है। इट मीन्स आपके भीतर गुस्सा था, जैसे ही आपको परिस्थिति मिली वो गुस्सा बाहर निकल गया। तो हमें बहुत बार अपने अंतर के भावों का पता नहीं चलता है। तो क्या होता है, अगर भाव पैदा हुए तो हमारे भीतर रंग भी पैदा हुए हैं, निश्चित रूप से हमने रंगों को ग्रहण किया। और जैसे भीतर के रंग ग्रहण होते हैं वैसे ही हमारा आभा मंडल भी हो जाता है। तो लेश्य ध्यान में क्या करते हैं, हम अपने भीतर के भावों को नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया, हमने अपने आभा मंडल को हमने क्या किया, अच्छे रंगों का ध्यान किया, और हमने वापिस अच्छे रंग के परमाणुओं को छोड़ के अपने आभा मंडल को क्या कर लिया, अच्छा बना लिया। तो अगर हमारा आभा मंडल अच्छा हो गया है तो हमारे भीतर के रंग अगर गलत भी है ना, तो हमारे आभा मंडल क्या करेगा, उनको अंदर वाले जो रंग है उनको अच्छा बना देगा, प्रशस्त बना देगा। और अगर अंदर के रंग बदल जाएंगे तो हमारे जो भीतर के भाव है वो भी क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो ये रंगों को बदलकर भावों को बदलने की प्रक्रिया है। परमाणु यानी क्या थी? परमाणु यानी आप, परमाणु यानी पदार्थ, पदार्थ की इकाई होता है परमाणु। तो जहां आपको रंग दिख रहा है, मान लीजिए एक सूर्य का प्रकाश है, वो केवल रंग दिख रहा है, आप उसको मुट्ठी में नहीं पकड़ रहे हो, खा नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पदार्थ नहीं है, वो भी पदार्थ है, वो सूक्ष्म पदार्थ है। तो आप अगर अपनी कल्पना शक्ति बढ़ा रहे हो कि बाहर नीला रंग है, अगर आप श्वास नीले रंग के, आपने अपनी संकल्प शक्ति से बाहर नीला रंग देखा, इट मीन्स नीले रंग आया है वहां। ये मत सोचिए कि वो केवल कल्पना है, रंग नहीं है, ऐसा नहीं, नीले रंग है वहां, भले आपने आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हो, कल्पना से नहीं देख रहे हो। तो वो नीले रंग के परमाणु भी है, वो वास्तविक है, कल्पना नहीं है। जब हम उन परमाणुओं को, उस नीले रंग को ग्रहण कर रहे हैं कि नीला रंग भीतर आ रहा है, तो वो परमाणु ही होते हैं, पदार्थ ही होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, हर वो चीज पदार्थ है जो आप अपनी इंद्रियों द्वारा जान पा रहे हो, देख रहे हो रंग वो पदार्थ है, सूंघ रहे हो गंध वो भी पदार्थ है, सुन रहे हो शब्द वो भी पदार्थ है, खा रहे हो वो तो खैर पदार्थ है ही, हम मानते हैं उस चीज को। तो हर वो चीज पदार्थ है, और पदार्थ की इकाई को हम कहते हैं परमाणु। जैसे क्या, मैंने जैसे कहा कि आपके ये कपड़ा है, कपड़ा भी पदार्थ है, ठीक है, लेकिन आप इसको पकड़ पा रहे हो इसको, तब आपको लगता है हाँ ये पदार्थ है। रंग की रोशनी आ रही है, उसे आप हाथ से नहीं पकड़ पा रहे हो, लेकिन वो भी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि आप उसको आंखों से देख रहे हो, है ना, वो सूक्ष्म पदार्थ। अब पानी है, हवा है, हवा भी पदार्थ है, उसको आप मुट्ठी में बंद नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ की तीन तरह के होते हैं, विज्ञान क्या कहते हैं, तीन तरह के पदार्थ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैस हम हाथ में पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन पदार्थ तो वो भी है। इसी तरह रोशनी आ रही है, वो क्या है, ऊर्जा है, वो भी पदार्थ है, लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारे परमाणुओं से, जैसे बूंदी का लड्डू में क्या है, बहुत सारी बूंदी होती है ना, एक बूंदी को हम क्या कहेंगे, इकाई। इसी तरह पदार्थ बहुत सारे परमाणुओं से मिल रहा है, तो एक परमाणु को हम, एक को हम क्या कहेंगे, परमाणु। बहुत ही सुंदर, परमाणुओं के बारे में आपने बताया, परमाणु क्या है चीज, बहुत ही सुंदर उदाहरण के मार्फत आपने समझाया। कायोत्सर्ग का मतलब क्या है? कायोत्सर्ग का अर्थ एक तो होता है शरीर को ढीला छोड़ना, काया प्लस उत्सर्ग यानी शरीर को छोड़ देना। शरीर को छोड़ देने से तो मर जाएंगे, तो शरीर को छोड़ने का मतलब है शरीर को ढीला छोड़ना। एक तो हम अकड़ के बैठे हैं, है ना, हमें एहसास रहता है हाँ ये कंधे हाथ सब है, लेकिन कायोत्सर्ग में अगर हम शरीर को इतना ढीला छोड़ दें ऑटो सजेशन के द्वारा कि रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तब क्या होता है, हमें शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, एकदम ढीला। और गहरे कायोत्सर्ग में हमें ये आभास ही नहीं रहता कि हमारे पास शरीर जी, हम हैं बस इतना सोचते हैं, इसके अलावा शरीर है ये पत्नी। तो शरीर की पकड़ को छोड़ देना कायोत्सर्ग है। और गहरे अध्यात्म के उस सेंस में हम जाएं
तो कायोत्सर्ग में हम अल्टीमेट शरीर और आत्मा की भिन्नता का भी अनुभव कर लेते हैं कि मैं आत्मा हूं और मेरे से जो भिन्न है ये है शरीर, यानी शरीर मैं नहीं हूं, आत्मा नहीं है, शरीर अलग है मैं अलग हूं, दोनों के संयोग से हमारा ये जीवन है। बहुत सुंदर। हम कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हैं तो हम कहते भी हैं शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करना, ममत्व को छोड़ देना। तो अभी समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठेंगे, आंखें बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। मंजू जी, हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा इतना शानदार मार्गदर्शन किया, इतना शानदार ध्यान करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।